नमस्कार, मैं प्रदीप कुमार कश्यप। वेलकम टू द माय यूट्यूब चैनल डिस्कवरी ऑफ लाइफ न्यूज। वर्षा के मौसम में बीमारी ज़्यादा होते हैं, कारण वर्षा के नम हवाओं में संक्रमण फैलाने वाले जीव पनपना प्रारंभ कर देते हैं और हम बीमार हो जाते हैं। हम बीमार क्यों होते हैं? बीमारी होने का एक असामान्य बात है। बीमार होने का यह कारण है कि आप जीवनधारा के विपरीत जा रहे हैं, नकारात्मक सोच व नकारात्मक कार्य कर रहे हैं। बरसात के मौसम में चर्म रोग, त्वचा विकार रोग ज़्यादा होते हैं। इन रोगों के रोकथाम के लिए प्राकृतिक उपचार के रूप में नीम, तुलसी, नारियल तेल का प्रयोग कर सकते हैं। नीम के पत्तों का प्रयोग दांत खाज खुजली, त्वचा विकार रोग, छाजन रोग में किया जाता है। नीम में निम्बडीन, टैनिन, ग्लूकोसाइड प्राकृतिक रूप से तत्व पाए जाते हैं नीम में। तुलसी के पत्तों का कल्क बाहरी प्रयोग होते हुए दांत खाज खुजली में प्रयोग किया जाता है। तुलसी में एल्केलाइड्स, टैनिन, कैरोटीन, ऑलिक अम्ल जैसे प्रमुख रूप से प्राकृतिक घटक पाए जाते हैं। नारियल के तेल में माइक्रोबियल एंटीफंगल तत्व पाए जाते हैं। नारियल के तेल में विटामिन ई पाया जाता है जो त्वचा को मुलायम रखता है। हम दांत खाज खुजली के रोग से बचने के लिए संक्रमण मुक्त जल बनावें, जिसमें 10 ग्राम तुलसी के पत्तों और 2 ग्राम नीम के पत्तों को उबालकर पानी को छानकर रख लें। नहाने में 5 ml लगभग इसका प्रयोग करें। नहाने के जल में इसमें 5 ml जल डाल दीजिए, उससे नहाएं। इससे आपका संक्रमण कम होगा और बीमारी ज़्यादा बढ़ेगी नहीं। और संक्रमित जगह जहाँ पर दांत खाज खुजली है, वहाँ 1 भाग नारियल का तेल, 3 भाग जल को मिलाकर लगाने से त्वचा विकार रोगों में लाभ मिलता है। तो मेरे चैनल के माध्यम से दिया हुआ जानकारी अगर आपको पसंद आवे तो प्लीज़ लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें। धन्यवाद।